बड़ा फैसला। वालदैन खुशी से निहाल। 21 निजी स्कूलों को फीस में 20% कमी का हुक्म दे दिया। एक कमरे के स्कूल से लोग सनदकार बन गए। क्या उन्होंने यूरेनियम की कान लगा रखी है? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा स्कूलों के तमाम अकाउंट्स खुलवाएंगे, फॉरेंसिक ऑडिट कराते हैं। लाहौर ग्रामर स्कूल के डायरेक्टर का 5 साल टैक्स रिकॉर्ड तलब कर लिया। अकाउंट्स मुंजमित करने की हिदायत। FBR को बड़े तालीमी इदारों का 7 साल रिकॉर्ड चेक करने का हुक्म। मुल्क में गैस का बुहरान। वजीर आजम का सख्त इकदाम। सुई सदर्न और नदर्न के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तहलील कर दिए गए। MDs के खिलाफ तहकीकात जारी। 72 घंटे में वजीर आजम को रिपोर्ट पेश की जाएगी। सिंध 70% गैस पैदा करता है, फिर भी गैस से महरूम है। वजीर आला का शिकवा। विफाक से फौरी तौर पर गैस बहाल करने का मुतालबा कर दिया। सूबे के लोगों की रोजी रोटी छीनी जा रही है। काबीना के इजलास में गुफ्तगु। कराची समेत सिंध भर में गैस का बुहरान। CNG ना मिलने पर ड्राइवर ने रिक्शा जला दिया। पहले खुदकुशी का सोचा था, घर का किराया चढ़ गया है, खाने को भी कुछ नहीं। नाजमाबाद के रिहायशी रेहान की दुहाई। नासिब नहीं होगा कि आप यही पैराज हैं और आप ही के एहतसाब हो रहा है और आप ही उसकी सरबराही कर रहे हैं, तो आप रास्ता निकालिए और कायदे हिज्ब इख्तलाफ जिसको मुनासिब समझे उसको नामजद कर दें, गवर्नमेंट कंसीड कर जाएगी। नैबजदा अपोजिशन लीडर को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नहीं बना सकते। हुकूमत ने फिर शहबाज शरीफ को हरी झंडी दिखा दी। साथ ही चेयरमैनशिप के लिए किसी दूसरे का नाम देने का इख्तियार भी दे दिया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, रोजाना हंगामा होगा तो कानून साजी नहीं हो सकेगी। ऐवान चलाने के लिए साथ देने की अपील। लीगी दौरे हुकूमत के मामला देखने के लिए जेली कमेटी बनाने की तजवीज। शहबाज शरीफ ने हुकूमत को ऐवान चलाने में तावुन की यकीन दहानी करा दी। साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की अपील। कहा नैब और PTI का चोली दामन का साथ है, सिर्फ ओपोजिशन के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। वजीर आजम पर भी हेलीकॉप्टर केस मंडला रहा है। मालम जब्बा केस की तहकीकात ताहाल मुकम्मल नहीं हुई। नैब कयामत तक मेरे खिलाफ करप्शन साबित नहीं कर सकता। आज तक कोई करप्शन नहीं की। मालम जप्पा केस में जमीन ट्रांसफर हुई ना करप्शन। परवेज कटक का जवाब। कहा सबूतों के साथ पेश हुआ था। बहस के बजाय नैब को फैसला करने दें। साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी ना करने पर ओपोजिशन का एहतजाज। कौमी असेंबली से वॉकआउट। हुकूमत के खिलाफ नारे। वजीर आजम इमरान खान से स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर और दीगर रहनुमाओं की मुलाकात। कानून साजी और कमेटियों की तश्कील से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। सरकारी स्कूल कब्जा माफिया से वागुजार कराने की हिकमत अमली भी तैयार। टीमें तश्कील दे दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में तालीमी इमरजेंसी के दावे धरे के धरे रह गए। मर्दान में पल्लोढेरी का प्राइमरी स्कूल इमारत से महरूम। बच्चे जनाजा गाह में पढ़ने पर मजबूर। 150 बच्चों के लिए सिर्फ 2 उस्ताद हैं। तहसील सुई का हाई स्कूल भी सहूलियात से महरूम। कमरे न 4 दीवारी। एबटाबाद के बच्चे अमरीकी तलबा के नक्शे कदम पर। FG स्कूल की जमात में तालिबान की फायरिंग। साथी उस्मान बशीर को कत्ल कर दिया। मुल्जिम हैदर अली गिरफ्तार। वाकई की तहकीकात जारी। शेख जैद अस्पताल लाहौर में अमले की हड़ताल का 6ठा दिन। OPD के बाद इंडोर सर्विस भी बंद कर दी गई। गर्ल्स हॉस्टल की तामीर और दीगर मुतालबात की मंजूरी का मुतालबा। एहतजाज का दायरा बढ़ाने की धमकी दे दी। मिट्टी में बच्चों की सेहत बहुत खराब है। हर वक्त माँ ही क्यों कुर्बानी दे? अब्बा जी कुर्बानी क्यों नहीं देते? मर्द भी इलाज कराए। बढ़ती आबादी केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मुतालिका हुकाम से एक्शन प्लान तलब कर लिया। फैसलाबाद में हाईकोर्ट बेंच के कयाम पर वकला की हड़ताल। वकीलों में फूट पड़ गई। दोनों ग्रोह लड़ पड़े, एक दूसरे पर खूब हाथ चलाए।
पंजाब में नून लीग और तहरीक इंसाफ का एक और बड़ा इम्तिहान। पीपी 168 लाहौर में जिमनी इंतखाब पोलिंग जारी। वोटर्स की आवभगत, पुरतकल्लुक नाश्ते का एहतमाम, नशिस्त ख्वाजा साद रफीक ने खाली की थी।